आज हम सफेद बालों वालों को वक्त नहीं देते। आज हमारे घरों के अंदर बूढ़े बैठे बैठे चेहरा देखते रहते हैं। काश मेरा बेटा मेरे लिए 5 मिनट निकाल ले। लेकिन बेटे के पास 5 मिनट नहीं, 5 घंटे मोबाइल के लिए तो है। अगर नहीं है वक्त तो बाप के लिए नहीं है। अगर वक्त नहीं है तो बूढ़ी माँ बाप के लिए वक्त नहीं है। और वक्त नहीं है तो बूढ़ों के लिए वक्त नहीं है। और यार कभी बूढ़ों के लिए वक्त निकाल लिया करो। और तुम तो उसके उम्मती हो, तुमसे अपनों की बात कर रहा हो। उसके दरवाजे पर अगर गैर भी आ जाते थे तो कभी खाली दामन लेके वापस नहीं आया। नारे कभी बूढ़ों के लिए वक्त निकाला कर। तेरा बाप सफेद बालों वाला है। आज तू 4 यारों में बैठ के वक्त काट के आया है। और इससे पूछ सुबह से शाम हो गई बिस्तर पे बैठे बैठे किसी ने आके ये तक नहीं कहा अब्बा वक्त कैसा गुजर रहा है। और तेरा ही जी चाहता है लोगों से बात करने का, सिर्फ तू चाहता है अपनों से मिलने को, क्या इस बूढ़े का दिल नहीं करता होगा? और यार ये भी चाहता है मुझसे अपने बात करें, और जब इससे कोई बात नहीं करता तो ये दीवारों से बात करता है। तुझे किसने बता दिया कि जन्नत इतनी सस्ती है? तू बाप से दो बोल ना बोल सके, हाथ में तस्बीह लेके घूमे, हो सकता है अल्लाह कयामत में तस्बीह मुंह पे मार दे और कहे मेरी तस्बीह करता रहा, और दो बोल कभी माँ बाप से नहीं कह पाया? कभी सोचा इस बारे में? जवानों कभी बूढ़ों को वक्त दे दिया कर। और ये बूढ़े तेरे माँ बाप हैं, इन पे बुढ़ापा तेरी वजह से आया है। अगर इन्हें तेरी फिक्र ना होती तो आज इनकी हड्डियों में भी ताकत होती, इतनी आसानी से बिस्तर न पकड़ते। आज जो बूढ़े हुए हैं तेरी फिक्र ने बूढ़ा किया है। और तुझे याद नहीं कितनी मुश्किल से पाला इन्होंने? तेरा मन घर से भरा, बीवी से दिल भरा तो यारों से बातें कर ली, यारों से दिल भर गया, मौलवी के पास बैठ गया, मौलवी से दिल भर गया, इधर उधर मेलों में टहल लिया। और यार बूढ़ा जाए तो उठ के कहाँ जाए? चलता है तो कमजोरी चलने नहीं देती है। बात करे तो लोग इसके थूक से नफरत करते हैं। और यार जाए तो कहाँ जाए? अपने ही घर में बेगाना होके बैठा है, अपने ही घर में अजनबी होके बैठ गया है। अगर तू जन्नत में जाना चाहता है तो सीधा और सस्ता रास्ता ये है, सुबह को 10 मिनट निकाला कर बाप के पास बैठ जा, काम पे बाद में जा, पहले 10 मिनट बाप के पैरों की तरफ बैठ। अब्बा से कह अब्बा रात कैसी गुजरी है? कोई तकलीफ तो नहीं थी? कोई जरूरत तो नहीं है? अगर जरूरत बता दें तो उस जरूरत को दिमाग में रख ले, जब वापस आए तो जरूरत पूरी करके आ, और जब शाम को वापस आए तो जो तू लाए अपने बच्चों के लिए तेरी मर्जी है, अगर कुछ भी ना ला सके माँ बाप के लिए कम से कम 5 मिनट निकाल के ले आ, इनके पैरों में बैठ जा, पूछ अब्बा दिन में खाना खाया था कि नहीं खाया, रोटी मिली के ना मिली, ओ खुदा की कसम तेरे 5 मिनट बाप की तबीयत को राजी कर देंगे। अगर ये राजी हो गए तो याद रख मदीने वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी राजी। बात थी नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब चिमला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यार बहुत रोओगे जिस दिन ये चले जाएंगे। ये सफेद बाल बोझ नहीं, ये सफेद बाल तेरे घर की रोशनी है, ये तेरे घर की जीनत है। अगर घर में बूढ़े और बच्चे ना हो तो घर भी बन लगा करता है। तुझे लगता है कि बूढ़ों का बोझ कम होगा तो तेरी सुख में कटेगी? और तुझे उस दिन पता चलेगा जब ये जमाना धक्का देगा और तेरी कमर टूटेगी, कोई दुआ देने वाला नहीं होगा। तब तू दौड़ेगा मौलवी 100 रुपए ले दुआ कर, फिर 500 ले दुआ कर। खुदा की कसम 500 की दुआ वो असर नहीं करती जो माँ बाप की फ्री की दुआएं असर कर दिया करती है। कहते हमने बड़ी तरक्की की है, दुनिया ने तरक्की की, खाक तरक्की की, और जिस दौर में माँ बाप को ठोकर मारी जाए तुम उसे तरक्की याफ्ता कहते हो? तरक्की का दौर वो था जब लोग बाप को कांधे पे बैठा के हज कराते थे। और यार लाइट ये इलेक्ट्रॉनिक ना थी मगर मुस्तफा की शरीयत की रोशनी मौजूद थी। वो किसी ने कहा था वो अंधेरा भी भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। इस रोशनी ने हमें मंजिल से दूर कर दिया है। हाँ पलटा माँ बाप के कदमों में पलटा, अल्लाह अकबर मेरे हुजूर की चौखट है, हुजूर की बारगाह है। एक खातून आ गई,
दोपहर का वक्त था, अरब की जमीन तपती जमीन थी और वहां की धूप इतनी सख्त होती थी कि लोग अगर चलते थे दोपहर में तो दीवार का साया लेके चला करते थे। ऐसे मौसम में और ऐसी जमीन पे ऐसी औरत आ गई जिसको लोग पागल समझते थे, आके हुजूर की मस्जिद के सामने खड़ी हुई और मेरे हुजूर को इशारे से बुलाया। अल्लाह हू अकबर, कोई आम शख्सियत है जिसे बुलाया? कोई आम शख्सियत है जिसे आवाज दी है? आम शख्सियत नहीं है, वो है अगर इशारा कर दे तो पेड़ चल के आ जाए, अगर इशारा कर दे तो सूरज पलट आए, ये वो जात है अगर इशारा कर दे तो चांद अपना सीना चीर देता है, ये वो जात है अगर इशारा कर दे तो पत्थर बोलने लगते हैं। वो उठ के आए और खातून के पास आके खड़े हो गए। ये खातून कहने लगी, हुजूर कोई मेरी पूरे शहर में बात नहीं सुनता, मेरे नबी ने फरमाया जिसकी कोई सुनने वाला नहीं उसकी मोहम्मद सुनने वाला है। सुभान अल्लाह। बहुत देर तक हुजूर सुनते रहे सुनते रहे। सहाबा कहने लगे, हुजूर ये तो पागल हो रहे थे, आपने अपना कीमती वक्त इसे दे दिया। हुजूर ने फरमाया जिसे दुनिया ठुकरा दे अगर उसे मैं भी सीने से ना लगाऊंगा तो फिर कौन सीने से लगाएगा। ओ यार, उन्होंने गैरों पे ऐसा कर्म किया, हमारा तो अपनों पे ही कोई रहम नहीं। अगर अब्बा आवाज दे बेटे तो कहता चल अल्लाह सुन क्या क्या कह रहे हैं, मेरी तो इनके काए काए से सर में दर्द है। ना नादान, वो कहावत कितनी पुरानी है कि दीवार पे कौवा बैठा है, तो बच्चे ने अपने बाप से कहा भाई ये क्या बैठा है? उसने कहा बेटे कौवा है। बच्चे ने फिर कहा अब्बा ये क्या है? बाप ने फिर माता चूमा, फिर कहा बेटे कौवा है। बेटे ने फिर कहा अब्बा ये क्या बैठा है? उसने फिर कहा बेटे ये कौवा है। जितनी बार बेटा पूछता बाप उतनी बार बेटे के माथा चूम के जवाब देता। बेटे ने 40 बार पूछा था बेटे ये क्या है, बाप ने 40 बार माथा चूम के कहा था ये कौवा है। बाप को गुस्सा आया? आया गुस्सा बाप को? नहीं। ओ यार, बाप को तो इतनी खुशी बहुत थी कि मेरा बेटा बोलने लग गया, यही सोच के वो खुश था कि मेरे बेटे की जबान से जुमले साफ निकलने लगे। फिर जब बच्चा जवान हुआ, बाप बूढ़ा हुआ, दीवार वही, बात वही, कौवा बदला था। उसने फिर कहा बेटे, अब उसने बच्चे से कहा बेटे मेरी नजर कमजोर हो गई है, मुझे बताना ये दीवार पे क्या बैठा है? उसने एक बार कह दिया कौवा है। उसने कहा बेटे क्या बैठा है? कौवा। कहा बेटे मुझे आवाज ऊंची आती है, जरा जोर से कह। तो उसने कहा जब ऊंचा सुनते हो तो पूछने की जरूरत ही क्या है? उसने फिर कह दिया बेटे ये बैठा क्या है? उसने कहा काए काए ना करो, तुमने तीन बार पूछा, मैंने बता दिया कौवा बैठा है। बाप की आंख में आंसू आ गए, कहने लगा बेटे कल भी तू था, आज भी तू है, कल मैं भी मैं था, आज भी मैं हूं, तूने 40 बार मुझसे कहा था ये क्या है? बेटे मैंने तेरा माथा चूम के कहा था कौवा बैठा है, आज तीन बार में तू थक गया। अल्लाह हू अकबर, यार ये बाप होता है, ये बाप होता है, कौन सा एहसान अदा करोगे इसका? यही कि इसे कब्रिस्तान तक पहुंचाओगे? और तुमसे तो इतनी भी उम्मीद नहीं की जा सकती कि तुम अपने बाप की जनाजे की नमाज पढ़ लोगे, यह भी उम्मीद तुमसे नहीं। इसलिए कि अक्सर जनाजे पढ़ाते हैं हम, हजरत बेटा पेंट में पेशाब लेकर दूर खड़े होकर कहता पढ़ाओ मौलाना नमाज, तो इतना गया गुजरा है और पढ़ाने की औकात न थी, कम से कम पढ़ने के लायक तो हो जाता। तू कितना कम नसीब है कि बाप के जनाजा पढ़ाने की बजाय पढ़ भी ना सका, और कम से कम इतना तो मुसलमान बन जा कि खड़े होकर बाप के जनाजे की नमाज पढ़ सके। और उसके बाद कहते हो जन्नत हमारे बाप की ले लिए, जरा मिल जाएगी, एक एक बाल का हिसाब कयामत में देना पड़ेगा। कितनी बार बाप को रुलाया पूछा जाएगा, कितनी बार माँ को गाली दी है पूछा जाएगा, कितनी बार धक्के दे के हटाया है ये भी पूछा जाएगा। और तुझे पता नहीं खुदा की कसम, फरमाया गया अगर किसी बंदे के अमाल में सिर्फ नेकियां नेकियां हों और जिंदगी में एक बार माँ से ऊंची आवाज में बोल गया होगा तो सारी नेकियां मुंह पे मार के दोजख में डाल दिया जाएगा। याद है कितनी बार माँ से ऊंची आवाज में बोले, बाप को कितनी बार ताने दिए। हमारे शुआरा ने कलाम पढ़े, जितने भी कलाम पढ़े गए साहब सम्मा की शान में पढ़े गए,
वो अब्बा को तो ऐसे कर दिया जैसे अब्बा का कोई मसला ही नहीं। हाँ बंटवारे हों कभी देखना, सब मां को लिपटेंगे, अब्बा का कोई हाथ पकड़ने तैयार नहीं। ऐसा लगता है जन्नत सिर्फ मां के कदमों के नीचे है। जरा सोच के बता, मां के कदमों के नीचे, बोले मां के कदमों के नीचे, मां के कदमों के नीचे, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, इसकी जन्नत तेरे बाप के कदमों के नीचे है। ये याद रखना, इसकी जन्नत तेरे बाप के कदमों के नीचे है। मुझे बता, अगर इसका इतना बड़ा मकाम है तो जिसके कदमों में इसकी जन्नत है उसका कितना बड़ा मकाम होगा। सोच लिया करो। अम्मा के 40वें कहवे, अम्मा की शान बयान कर दो। क्यों अब्बा मर गए क्या? कहना अभी अब्बा तो है। क्यों अब्बा की सुन ले? क्या नहीं अम्मा नहीं है तो मर के क्या फायदा सुन के? जीते जी सुनता ये पूछता, बताइए माँ की खिदमत कैसे करनी है? मेरी माँ मौजूद है, बाप को कैसे राजी करना है? मेरा बाप मौजूद है, खुदा की कसम ये उलमा बताते, जब रात को लेटे तो 2 मिनट पैर दबा दिया कर, सुबह को उठे तो बाप की खिदमत में चाय लेके जाया कर, दोपहर को खाना लेके जाया कर, कभी एक दो वक्त का खाना बाप के साथ बैठ के खा लिया कर। जब ये उलमा बताते, खुदा की कसम तू ऐसा करता, तेरी दुनिया भी कामयाब हो जाती, तेरी आखिरत भी कामयाब हो जाती। लेकिन हमारी तो आदत खराब है, हम तो पूछते ही तब हैं जब अब्बा मर जाए। अब बयान करो अब्बा की फजीलत, अब फुर्सत में सुनूंगा, यही मतलब है ना? तो यार बाप की इज्जत कर लो, बाप की कदर कर लो। ये बूढ़े जो है ना, ये अल्लाह की नेमत है, इनकी खांसी से घर में रौनक है। और कभी बूढ़ों से मुंह ना मोड़ा करो, जिसकी कोई बात ना सुनता हो उसके दिल की बात सुनना भी मदीने वाले की सुन्नत है, हुजूर की सुन्नत है। आज माँ बाप हैं, सफेद बाल हैं तो कदर कर लेना। मेरे हुजूर का बड़ा प्यारा फरमान है, हुजूर फरमाते हैं जिसने मेरी उम्मत के सफेद बालों वाले की इज्जत की, गोया उसने मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत कर ली है। हैं ये कौम बता देती है पीर का इतना बड़ा रुतबा है, ये जन्नत में लेके जाएगा तो पीर आ जा तो मुंह से उतारने तैयार, चूमने के चक्कर में कपड़े फाड़ देंगे। वो खुदा की कसम इस पीर से बड़ा पीर तो तेरे घर में बैठा है, कभी उसकी भी दुआ ले। लेकिन दुआएं मिलेंगी कैसे? मिजाज ही अलग हो गए। वो कहता बेटे जरा थोड़ी सी नरम रोटी मिल जाती तो डायरेक्ट जवाब होता है कि जवानी में बड़ी नरम रोटी खाई है, बुढ़ापे में शोक हो रहे हैं, बुढ़ापे में मजबूरी में बाप नरम रोटी मांगता क्योंकि उसके दांतों से कट नहीं सकती, अगर कटती तो वो पत्थर चबा देता, लेकिन कभी तेरे आगे हाथ ना फैलाता। वो बाप है तेरा खुदारा, इनकी जरूरतों का ख्याल रखा करो।